सब लोग बोल रहे हैं हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सनराइज देखिए भाई साहब, उधर पीछे हो रहा है आई थिंक पहाड़ के यार उस साइड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज डे टू ऑफ आर नेपाल पोखरा ट्रिप। कल हम लोग पहुंचे थे 9 बजे, सुबह चले थे अराउंड 7 बजे। कोहरा इतना था, हम लोग बहुत लेट होता चला गया। भंसार बनना था, रोड परमिट बनना था, सारी चीजें आपको पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देख ली होंगी, तो वो सब बना। उसके बाद धीमे धीमे फिर हम रास्ते में थोड़ी एक जगह रुक गए, बहुत लेट होता चला गया। कल लगभग 14 आवर्स 14 घंटे कार चलाई, बहुत ज़्यादा ही थक गए बहुत ज़्यादा, बट सब वर्थ इट था इस व्यू के लिए। व्यू देखिए, हम लोगों ने जो होटल लिया है लेक साइड पे है भाई, व्यू देखिए आप लोग, है ना बढ़िया तगड़ा व्यू। वो देखिए वहाँ पे कैकिंग की प्रैक्टिस कर रहा है लड़का, गिर गया था अभी लगा, बच गया। ओ भाई गिर गया। दो तीन जगह है आज जाने के लिए, तो आपको एक एक करके दिखाते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, और ये थोड़ा सा जो आपने अभी ड्रोन शॉट्स पहले देखे हैं, बाद में देखेंगे सनराइज से पहले के थे, तो वो कैसे लगे जरूर बताइए। आगे चलते हैं। तो ये जो सामने आप लोग लेक देख रहे हैं, ये है फेवा लेक, और दो लेक्स और हैं यहाँ पे, बंगस लेक है और एक कोई और लेक है मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो ये हम लोग फेवा लेक के सामने हैं अभी, तो हमें ये मिला है 1600 नेपाली करेंसी में, बट इंडियन करेंसी में अराउंड हो गया 1000 रुपीज़ के आसपास, तो 1000 रुपीज़ में ठीक है यार। लेक साइड भी मिल रहा है, नैनीताल आप जाइए तो बहुत महंगा, 8-8, 10-10 हज़ार से कम में मिलेगा नहीं आपको कुछ। क्या हुआ, गाड़ी चाबी नहीं ली हो साले? तो सब निकाल लिए, गाड़ी की चाबी नहीं ली हो अब चाबी। अच्छा वो याद दिला दिए, कहाँ है भाई, कहाँ है चाबी? अब बोला जेब में ना। गाड़ी की चाबी यार, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ छुपा दियो? वो जैकेट में तो नहीं है को देख। चलिए गाइस चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं एक बहुत अच्छी जगह है, अभी आप लोगों को बताते हैं कहाँ। गैंडरोक, अभी क्या नाम है तो उसका मैप ही कहाँ मिल रहा है, वो चले जाएंगे बट हम लोग। अबे क्या एक चीज और भूल गया, क्या नॉर्मल वाला चश्मा अपना मैं ले आ रहा हूँ। कहाँ चलना है भाई, चलते हैं फिर। ये देखो तो फाइनली हम लोग एक आए हैं रेस्टोरेंट में, आओ पहले ब्रेकफास्ट डिसाइड कर लें, फिर जब तक आएगा तब तक।
चिंग कर रहे हैं भैया मस्त। जस्ट गुड लाइफ। मछली नहीं पकड़ पा रहे लोग। ओहो फूड आ गया सिंह, तिब्बतियन फूड, गुड जॉब। आते ही भूख लगने लगी। खाओ खाओ बेटा खाओ। मेरा खाना आ गया आलू पूड़ी, ये रही आलू, ये रही पूड़ी और ये रहा व्यू। और अब खाते हैं, इसका भी अच्छा लग रहा है। मेरा थोड़ा सा इंडियन ही खा रहा हूँ, शाम को खाएंगे हम लोग फैंसी खाना। हाइट देखो भाई की, खड़े हो सिंह जरा सामने, सिंह के देखिए कहाँ पे आ रही है। इस बाइक से लेके चलते हैं। अरे प्रॉपर ऑफ रोडर है। चलो चलते हैं घांद्रुक, वी आर गोइंग टू घांद्रुक। आगे एडवेंचर देखने का हम लोग बता रहे हैं, हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे वहां पे। सब लोग बोल रहे हैं हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि कार में बैठ जाता है, शोर बहुत है। सो हम लोग जा रहे हैं घांद्रुक। घांद्रुक अराउंड है 50-40 किलोमीटर, बहुत अच्छा विलेज है। वहां से अन्नपूर्णा पीक्स दिखती हैं क्लियरली। और सब लोग बोल रहे हैं एक नया पुल है, नया पुल तक रास्ता सही है, बट उसके आगे पूरा ऑफ रोड है। सब बोल रहे हैं आप छोटी गाड़ी नहीं ले जा सकते। लेट्स ट्राई, विल ट्राई, अगर जाएंगे तो चली जाएगी, और वरना वहाँ से कोई टैक्सी एक्सी कर लेंगे, है ना। चल के। और ब्रेकफास्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बस बढ़िया, बस नमक मिर्चा कुछ नहीं था। बढ़िया भाई, मुझे तो कोई खास नहीं लगा। आलू पूड़ी मतलब नमक वमक कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा था। बट यहाँ इंडियन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और तिब्बतियन भी सब कोई। आमलेट अच्छा था तुम्हारा? हाँ, आमलेट अच्छा था। आमलेट तो अंडा है यार, वो तो अच्छा हो गई। हाँ, और बाकी देखते हैं। बाकी अब हम लोग चलते हैं आगे, पेट्रोल भी भराना है तो देखते हैं। पेट्रोल पंप देखिए कैसे हैं, शटर कैसे बंद किया जाता है रात में। और बड़ा रात में शटर बंद कर देते हैं। हाँ देखो, शटर लगे नहीं हुए। 2000 का डलवा रहे हैं अभी, 161 रुपीज़ है, मतलब 101 रुपये का है यहाँ पे। फाइनली घांद्रुक के लिए निकल गए। घांद्रुक बढ़िया, वहाँ से अन्नपूर्णा की मतलब फोटोज में दिखाया कि प्रॉपर पीक दिखती हैं। लेट्स सी, आज मौसम भी साफ है। यहाँ सामने भी एक पीक दिख रही है जिसमें बर्फ़ दिख रही है, वो देखिए सामने बर्फ दिख रही है उस पीक पे। और देखिए पीक्स, देखिए सामने भाई क्या लग रही है यार, इतनी ऊंची ऊंची पीक्स हैं भाई। हम लोग सोचो इतना ऊपर है तब भी ऐसा फुटहिल में है। वाह, व्हाट अ हाईवे। सेती रिवर है ये, सेती रिवर जो ये राइट साइड में फ्लो हो रही है, सेती रिवर भाई। मस्त लग रही है पहाड़ और रिवर, क्या मजेदार एकदम। और ये रही सड़क जो कि खराब है। हाईवे आ गया है यार, 6 लेन हाईवे पहाड़ों पे, उधर भी 3 लेन इधर भी 3 लेन। आएंगे जब लाल पुल से आगे फिर
घारन फोर्ट के लिए है। सामने का व्यू देखिए भाई साहब, घर देखिए। अरे यार तो जब तो वही है लाल पुल के बाद बताता हूँ क्या है, क्योंकि उसके बाद सब बोल रहे हैं रास्ता खराब है, छोटी गाड़ी जाएगी नहीं, तो वो देखते हैं। फिर आपको अपडेट करता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए और अभिषेक सिंह के साथ ही। तेरी चलो 4 किलोमीटर आगे, हाँ। तो वहाँ से लेफ्ट जाना है, वहाँ पे चेक वो पड़ेगा चेक पोस्ट, हाँ। उसके बाद घांद्रुक के आगे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जाने देंगे चेक पोस्ट से? तो वो तो जाके पता लगेगा। बार जैसे बता रहा है घांद्रुक के लिए चेक पोस्ट आएगा। अब यार चेक पोस्ट में हम आइए, छोटी गाड़ी जाने दें बस यार, ये नाटक ना करे, नहीं जा पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, ये बड़ा है यार, ये देखना है। चलो फिंगर क्रॉस है, जाने दें। घांद्रुक के रास्ते में एंटर हो गए हैं, हाईवे छोड़ दिया है भाई, यहाँ चढ़ाना मुश्किल होगा, देख लो कुचड़ तो जा रहे हम लोग भाई। पूरी मार्केट है देखो, गई हुई है छोटी गाड़ी भी। अबे तो क्या पता है वो लोकल हूँ, अंदर ही आग घूम रहे हो भाई। गांधरुप की मार्केट है ये, गांधरुप के पहले की मतलब नाम पढ़ते हैं अभी। कहाँ कहाँ बसे हुए हैं भाई लोग, पूरी मार्केट है बताओ। पता था बीच में ही रुक गया बच्चा, बच्ची की तो अपनी मर्जी है ना। घांद्रुक घांद्रुक वो भाई कुछ हो रहा है क्या, चेक पोस्ट आ गया। वाटर क्रॉसिंग इज हियर गाइस, और 5 किलोमीटर बचा है घांद्रुक। प्रॉपर गांव आ गए भाई, एकदम गांव रॉ, एकदम रॉ। जागो रे देखो रे दुनिया ए देखो रे, नारा रुके हैं, 7 किलोमीटर बचा है घांद्रुक। यही बाकी, इतना ऊपर तो आ गया, इससे ऊपर 8 किलोमीटर है तो नहीं जाएगा। क्यों? नीचे से सब तो अभी अभी हम होके तो आए, उसका 10 गुना दिक्कत है ऊपर। अच्छा, जाना मन है तो जा सकते हैं, ट्राई मतलब वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना कहीं रास्ते, मतलब कहीं खड़ी करके पैदल चले जाएंगे। सबसे अच्छा हमारे जैसा हम यही रख के जाए अभी।
तो आप लोग पैदल जा रहे हो? नहीं 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 हाँ। तो यहाँ मिलेगा ना गाड़ी? अच्छा, कितना रुपए लेता है यहाँ से? 2500-3000 रुपए लेगा। अच्छा, फुल पे नहीं, हम दो ही लोग हैं। वैसा नहीं होगा, रिजर्व पे चलेगा वो लोग। बस आएगा हाँ। रुपए लेगा एक आदमी का। 150 नेपाली ना, मतलब बस से चले जाएंगे। अगर नहीं जा पाए ट्राई करते हैं। आप लोग पैदल से जाएंगे तो 2 घंटा 1.5 घंटा में पहुंच जाएगा। अच्छा, नहीं ट्राई करते हैं, अगर नहीं जा पाए तो फिर बस कर लेंगे। ट्राई करने की जगह ही नहीं है। हाँ, आज आजा इधर 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 इधर। हाँ करें भाई।